अस्सलामुअलैकुम जी, चिकन चिल्ली की कढ़ाई रेडी हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। मैंने घर के मसालों में एक कप दही में चिकन को मसाला लगा के रख दिया था तकरीबन एक दिन के लिए। फिर मैंने उसी मसाले और दही में इसको सॉफ्ट कर लिया। अभी हमारा चिकन सॉफ्ट हो चुका है। मैं इसमें हाफ प्याली के करीब एक और दही ऐड कर रही हूँ। अच्छे से जी हमारा चिकन सॉफ्ट हो चुका है। नमक है, रेड मसाला है, ब्लैक पेपर है और जी धनिया और हल्दी पाउडर है। और साथ ही जी इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी, सोया सॉस ऐड करूँगी और ये है जी इमली, जिंजर का पेस्ट है ये, केचप भी ऐड होगी और मायो का पेस्ट भी इसके अंदर ऐड करूँगी। साथ ही जी मैंने ये प्याज और शिमला मिर्च को इस तरह से कट करके रख दिया है, ये भी मैं अब इसमें ऐड करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन चिल्ली बन के रेडी होती है, बहुत ही मज़ेदार है। संडे स्पेशल रेसिपी है आप सबके लिए, अपने बच्चों को रेडी करके दें। अब जी मैं इसके अंदर प्याज और शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। मैं थोड़ी सी हरी मिर्च भी कट करके वो भी ऐड कर लेती हूँ। अच्छे से हम इसको मिक्स करते हैं और जो सॉसेस हैं वो मैं 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये बनती है जी, चिकन चिल्ली की रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है। अब जी मैंने तमाम सब्जियाँ इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, अब तमाम सॉसेस ऐड करूँगी। फिर हमने इसको 10 से 15 मिनट और लाइट आँच पर कुक करना है। बहुत ही मज़ेदार ये बन के रेडी हो जाएंगी। हमें ज़रूरत है एक प्याली की। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून तमाम सॉसेस को ऐड करती जाऊंगी। सबसे पहले जी मैं चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, आप 2 चम्मच नाप के भी डाल सकते हैं, मैं अपने अंदाजे से ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है, आप इसको यूज़ करके चिली अपना चिकन रेडी करें, बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। और मैं तमाम चीज़ें एक ही प्याली में डाल के फिर इसको मिक्स करके कढ़ाई में ऐड करूँगी। अब चिली सॉस और सोया सॉस मैंने ऐड कर, अब ये चिली ये है जी इमली का, जिंजर इमली का पेस्ट है जी, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, मार्केट में इजीली मिल जाता है ये आपको। जिंजर इमली पेस्ट ऐड करने के बाद मैं अब इसमें ऐड करने लगी हूँ मायो केचप। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा पेस्ट ऐड कर लिया है। ऐड कर रही हूँ, अब ये ऐड हो चुकी है। अब हम तमाम सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर, अच्छे से जी तमाम सॉसेस को मिक्स कर लें और फिर मैं इसको चिकन और वेज में ऐड कर लूँगी, जो कि चिकन चिल्ली की कढ़ाई रेडी हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, मैं अक्सर संडे को ये ट्राई करती हूँ बच्चों के लिए, आप भी ज़रूर बनाएं। इसको चपाती में रख के या रोल बना के या आप राइस के साथ भी पेश कर सकते हैं, बहुत ही जायकेदार ये बनती है। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी लुक है जी चिकन चिल्ली की। बस हमने इसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, हमने इसको क्रंची रखना है सब्ज़ी को। अब मैं इसमें सॉसेस ऐड करती हूँ, बस 3 से 4 मिनट के बाद मैं नीचे से फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। अब जी मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्च को भी काट के ऐड कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चे भी बहुत ही दिल से इस रेसिपी को पसंद करते हैं और बहुत ही मज़े लेने के एंजॉय करके खाते हैं। अब जी चिकन चिली की कढ़ाई जो मैंने रेडी की है उसमें तमाम सॉसेस अब मैं ऐड कर रही हूँ, जिसमें है जी चिली सॉस, सोया सॉस है जी, इमली सॉस है जिंजर वाला और मायो सॉस है, केचप है। ये तमाम को मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर देना है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के इस प्याली में मैं वो भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ये मैं तमाम प्याली को अच्छे से पानी का घूंट डाल के 1 से 2 घूंट डाल के, यानी 1 से 2 चम्मच डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसके अंदर ऐड कर लें। बस बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चिकन चिली की कढ़ाई बन के रेडी हो चुकी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।